नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका दूसरे एपिसोड द वन थिंग के। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी झूठ के बारे में, आज हम बात करेंगे सच्चाई के बारे में सफलता के लिए। तो पहली सच्चाई है द फोकसिंग क्वेश्चन। द फोकसिंग क्वेश्चन आपके लिए वो क्वेश्चन होता है जिसके करने से आपका आगे का काम आसान हो जाए, कि वो एक पर्टिकुलर काम जो मैं करूं कि मैं आगे के काम को आराम से और इजीली करता जाऊं। तो अपने उस सक्सेस गोल में वो एक फोकसिंग क्वेश्चन ढूंढने की आवश्यकता है। दूसरी सच्चाई द सक्सेस हैबिट। अब दोस्तों, आप लोगों ने अपने सामान्य जिंदगी में देखा होगा, कुछ लोग सक्सीड होते हैं तो सक्सीड ही होते जाते हैं। कोई पर्सन है, वो कॉलेज में क्लास में फर्स्ट आ रहा है तो फर्स्ट ही आता जा रहा है। ये एक पर्सन का आईक्यू लेवल तो रहता ही है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक सक्सेस हैबिट, वो एक जुनून कि मुझे एक पर्टिकुलर लेवल पे रहना है या फिर एक पर्टिकुलर बिग क्वेश्चंस का आंसर देना। तो ये चीजें निर्धारित, ये हैबिट होती है सक्सेस हैबिट। और इसको पाने के लिए आपको अपने लाइफ के अलग अलग डायमेंशंस में उस वन थिंग को जानना पड़ेगा जिसके करने से आपके अंदर वो सक्सेस हैबिट उत्पन्न हो और आप सफलता की राह पे बढ़ते जाएं। और इसको पाने के लिए आपको अपने आप को कुछ ग्रेट आंसर्स देने होंगे, उस बड़े क्वेश्चन के बड़े आंसर। इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपने लाइफ के उन बड़े आंसर्स कैसे पाएं। उसको पाने के लिए पहले हमें अपने आप को एक बड़ा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको इस पर्टिकुलर ग्राफ से। अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को देखें, एक किसी कंपनी के मार्केटिंग पर्सन या सेल्स पर्सन का ये, तो अगर आप देखें बिग एंड स्पेसिफिक बेसिस पे, तो आप क्वेश्चंस एनालिसिस करें तो जो क्वेश्चन बिग और स्पेसिफिक है वो है व्हाट कैन आई डू टू डबल सेल्स इन 6 मंथ। इट्स अ बिग क्वेश्चन, नॉट लाइक नीचे वाला क्वेश्चन जिसमें से 5% सेल्स बढ़ाने की बात की जा रही है, और न कि दूसरे साइड जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट नहीं दी गई है। आपको अपने उस बिग क्वेश्चन को पूछना है और उसका आंसर भी उसी तरीके से देना है। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि इस बिग क्वेश्चन की क्रेडिबिलिटी हम कैसे चेक करें कि ये इफेक्टिव बिग क्वेश्चन है, तो उसको इन 3 पैरामीटर्स पे कसिए, इसकी डूएबिलिटी, दूसरी स्ट्रेचेबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी। तो काम हो जाए और वो काम आपको आपके लिमिट से आगे ले जाने की कोशिश करें और आपको एक ग्रेट रिजल्ट प्रदान करें। तो दोस्तों, इसी साथ आपसे विदा लेता हूं। अपने लाइफ में उस बिग क्वेश्चन को पूछिए और उस बिग क्वेश्चन का आंसर दीजिए और अपने अंदर सक्सेस हैबिट को इनकलकेट करिए। आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।